इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में लड्डू होली के अवसर पर 3 बार बिगड़े हालात, हुई भगदड़, बेकाबू हुई भीड़, 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। भगदड़, मारपीट, भीड़ में दबे श्रद्धालुओं के एक्सक्लूसिव वीडियो, पुलिस लूटती रही लड्डू, मच रही थी भगदड़। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे घटना को दबाने में जुटे, भगदड़ की घटना से किया इनकार, बताए सामान्य हालात। एक श्रद्धालु का तो मंदिर से जुड़े लोगों ने ही डंडे से सर फोड़ दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वह किस तरीके से मंदिर और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है, ये भी देखिए। भीड़ में से भागती नजर आई मथुरा पुलिस, वीडियो में देखिए किस तरीके से भगदड़ का माहौल है। श्रद्धालु मंदिर की बाउंड्री वॉल पार करके मंदिर में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये तस्वीर मंदिर के एंट्री गेट की है, जिसके बाद भगदड़ हुई। महिला और बुजुर्ग घायल हो गए, जिन्हें मौजूद मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उपचार दिया। 2 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बड़ी खबर न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी आपको दिखा रहा है मथुरा से। तीसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से राधा रानी मंदिर के निकासी गेट पर भगदड़ हो गई। कई श्रद्धालु भीड़ में दब गए, महिलाओं को हाथ खींचकर निकाला गया है। इस गेट पर श्रद्धालुओं की निकासी थी, लेकिन इधर से श्रद्धालु एंट्री भी करने लगे। बरसाना के लाडली जी राधा रानी मंदिर की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त नजर आई। जिस तरीके के दावे प्रशासन ने किए थे वो पूरी तरह से फेल। कल प्रशासन के लिए लठमार होली में सुरक्षा व्यवस्था बनाना एक चुनौती है, क्योंकि कल भीड़ का दबाव भी 2 गुना बढ़ जाएगा। जब लड्डू होली पर ही ये हालात दिखे तो लठमार होली पर तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी पर आप देख रही हैं मथुरा से, जहां बरसाना के विश्व प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर में लड्डू होली के अवसर पर 3 बार हालात बिगड़ गए, भगदड़ हुई, बेकाबू हो गई भीड़ और 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी। बड़ी बात, भगदड़, मारपीट, भीड़ में दबे श्रद्धालुओं के एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आए हैं और पुलिस उसमें लड्डू लूटती नजर आ रही है। भगदड़ मच रही थी। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे घटना को दबाने में जुटे हैं, भगदड़ की घटना से भी इनकार किया, बताया कि हालात सामान्य है। रमन, उन बकरों का क्या घटना हुई है? असल में भीड़ का दबाव आज काफी ज्यादा था और ये निकासी का दरवाजा है, लेकिन आज इधर से एंट्री मेन रूप से कर रहे थे, लेकिन पब्लिक इतनी ज्यादा थी कि वो इधर दीवार से कूद कूद के अंदर आ गई थी। बाहर बिछने लगे थे तो लोगों ने पकड़ पकड़ के बच्चों को खींचा, तो 10-12 बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं। काफी तो मिल गए हैं, बाकी नीचे कंट्रोल रूम तक चले गए हैं। बाकी हमारी सीएमओ साहब की ने टीम जो दूसरी और भेजी, हम लोगों की तो ड्यूटी यहाँ पे है, बाकी सीएमओ साहब ने एक टीम और भेजी है। एसीएमओ सर आए थे अभी हमारे, तो वो सब 2 सीरियस जो थोड़ा सा पेशेंट था उनको नीचे लेके जा रहे हैं अपने साथ। 8-10 कम से कम घायल हुए हैं। सीरियस कितने? सीरियस कोई नहीं है। पुलिस फोर्स लगा था, लेकिन भीड़ अत्यंत में ज्यादा थी आज। इतनी भीड़ आज तक कभी नहीं देखी गई। सारा ये पुजारी है ना, एक मारे धक्के और फिर ऊपर लठ मारो, आगे बेमतलब में कोई बात ना थी यार, हमारी सर फट गया आपका, सर पे लठ मारो बेमतलब में, बैठ 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 अरे पट्टी करवा दे, बहुत ही करवा दे, अभी नहीं आता है सर, पर भी सब करवा दूंगा। बैठे हुए ना, उन्होंने डंडी वगैरह ले रखी है और जो वो कंटेनर है ना वो सर पे मार रहे हैं लोगों को। या तो बोल दो मंदिर नहीं आते हैं, अगर आप लोगों को जो इन लोगों को साइड में बैठाना है तो हम लोग नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर बता दो, अंदर घुसा के ऐसे मार रहे हैं बताओ। अब भीड़ हमें पुश कर रही है तो हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, वो डंडी मार रहे हैं बताओ। अरे बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी व्यवस्था ठीक नहीं है। घटना की असल में ये गेट बंद था और वहाँ गैदरिंग ज्यादा हो गई, तो उधर पब्लिक जब बेहोश होने लगी, आपस में मतलब गिरने लगे लोग, भगदड़ मच गई, तो उसके बाद इस बाउंड्री के ऊपर से लोगों ने उधर से फेंका है, तो कुछ तो कैजुअल मतलब घायल हुए हैं उसमें से, जिनकी ड्रेस करीब थे 10 लोग थे करीब, जिनकी ड्रेसिंग करके छुट्टी कर दी, बाकी कुछ बेहोश थे तो उनके ऑक्सीजन लगाई है और फिर ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ कम पड़े थे एक्स्ट्रा मंगाए थे मेरे बहन, तो अब इस समय स्थिति कंट्रोल में है। क्या नाम बताया था सर? डॉक्टर अतुल मिश्रा। बरसाना में लड्डू मार होली का आयोजन चल रहा है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। कई जगह ये अफवाह भगदड़ की फैलाई जा रही है, जो सरासर गलत है। भीड़ काफी है परंतु नियंत्रित करके भीड़ को मंदिर में छोड़ा जा रहा है और दर्शन करने के बाद लोग निकल रहे हैं। सभी से अनुरोध है कि किसी भी तरह की गलत खबरों को प्रसारित न करें। भीड़ भाड़ ज्यादा है,
श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि छोटे बच्चों और बुजुर्ग भीड़ भाड़ अवॉइड करें, जब भीड़ कम हो तब आके दर्शन करें। किसी भी तरह की भागदड़ का खंडन किया जाता है और साथ ही साथ अपील की जाती है कि इस तरह की भ्रामक खबर न फैलाएं। सुनहरा मौका आपके अपने शहर कस्बा मोठ में आप भी देख सकते हैं अपने घर का सपना। किफायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध है केसीपी इंटर कॉलेज के पीछे। और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मयूर मिश्रा इलू महाराज, मोबाइल नंबर 7355265058।